हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों की रोजी का प्रमुख साधन सेब का कारोबार है। कोरोना महामारी के साए ना पड़े इससे बागवान भी चिंतित नजर आ रहे हैं। सेब हिमाचल की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और सालाना करीब 5,000 करोड़ का कारोबार होता है। सेब बागाओं में महत्वपूर्ण कार्य करने की अवधि के दौरान कोरोना महामारी का संकट आ गया, जिससे सरकार को कर्फ्यू और लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। बागवानी पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए सरकार ने बागवानी से जुड़े दवाई खाद की दुकानों को कर्फ्यू और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए खोलने के निर्देश जरूर दिए हैं। उसके बाद से बगीचों में खाद डालने, तौलिया बनाने व पौधों में स्प्रे का कार्य जारी है, लेकिन बागवानों में कोरोना महामारी की वजह से आने वाले समय कैसा होगा, सेब बीमारियों की रोकथाम वाली दवाइयां मिलेंगी या नहीं, सेब पैकिंग मटेरियल और सेब की बिक्री भी होगी कि नहीं, ये असमंजस बना हुआ है। ठाउ देवी ने बताया कि आज तौलिया आदि कर दिया गया है, बाजार में दवाइयां मिल रही हैं, अब आगे के लिए दवाइयां मिलती हैं या नहीं ये आने वाला समय ही बताएगा। सेब पैकिंग सामान मिलेगा या नहीं ये चिंता बनी हुई है। खेती बाड़ी तो शुरू कर दी है और कोरोना का डर सता रहा है। और आगे हम आजकल हम तौलिया वगैरह कर रहे हैं, दवाइयां दुइये थोड़ी मिल रही हमारे को, अब कुछ कुछ स्प्रे वगैरह कर रहे हैं। आगे के लिए पता नहीं हमारी ये फसल बिकती कि नहीं बिकती, कोरोना की वजह की क्या पता दोबारा भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है जिंदगी ये तो। बाकी हम ऐसे को थोड़े मते अब अपना काम कर रहे हैं खेती बाड़ी का, बाकी दवाई अभी आगे मिलती कि नहीं मिलती ये सरकार की ये। गीता देवी ने कहा कि आजकल हम अपने बगीचे में खाद डाल रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, कोरोना बीमारी की वजह से दिक्कतें आई हैं, आगे पता नहीं क्या होगा। हम आजकल तौलिए कर रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, आजकल हमारे को दवाइयाँ भी मिल रही है, आगे पता नहीं दवाइयाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और क्या नाम बोलते है सेब। उमरी गांव की कलावती ने बताया कि आजकल सेब बागों में दवाइयों का छिड़काव किया जा रहा है, बगीचों में थोड़ा थोड़ा काम तो हो रहा है, आगे पता नहीं क्या होगा। और आजकल हम सेब में स्प्रे कर रहे हैं, दवाई डाल रहे हैं, कोरोना बीमारी की वजह से हम आजकल थोड़ा काम ज्यादा नहीं कर सकते, कोशिश तो तेरा कर रहे हैं। और इस बीमारी की वजह से पता नहीं अब मेहनत हमारी निकलेगी कि नहीं निकलेगी, अब पता नहीं जी। धन्यवाद। ललसा निवासी राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आजकल कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, आजकल सेब से जुड़ी दवाइयों की दुकानें खुली हैं, लॉकडाउन चला है और आगे पता नहीं दवाइयां आएंगी भी कि नहीं। सेब में फ्लावरिंग के दौरान एक स्टेज में स्प्रे करना जरूरी होता है, इस दौरान सरकारी निर्देशों का भी पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है, आगे पता नहीं सेब पैकिंग कार्टून मिलेंगे या नहीं। हमारा जो व्यवसाय एवं रोजी है वे सब सेब पर निर्भर करती है और कोई दूसरा साधन नहीं है। अभी लॉकडाउन चला हुआ है आजकल, जिसके कारण आजकल दुकानें खुली है, इस वजह से हमने थोड़ी सी स्प्रे की दवाइयाँ ली और ये स्प्रे आजकल ही होती है, अगर इसमें टाइम थोड़ा बीत गया तो ये स्प्रे नहीं डाल सकते हैं। और हम लोग सभी फसल पे ही निर्भर है, सेब पे ही, तो इस वजह से ये लॉकडाउन पे हमने स्प्रे की है और इस पूरा वो रखा है डिस्टेंस का, पूरा वो ख्याल रखा है कि 3-4 फुट दूरी पे, बस यही सर।